निर्गमन अध्याय 11, निर्गमन अध्याय 11। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ोसिन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं तक के सब पहलौठे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहां तक कि उसके समान न तो कभी हुआ और न होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु क्या किसी पर कोई कुत्ता भी न भोकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इसराइलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूं। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठिन और कठोर कर दिया, सो उसने इसराइलियों को अपने देश से जाने न दिया।